एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि एक लड़की जिसका नाम माँ अंग था, उसे कार्टून एपिसोड देखना बहुत पसंद होता है। उन कैरेक्टर को वो बहुत पसंद करती थी। उसे पढ़ने के बाद वो कमेंट करने लगती है। तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि ऑर्डर डिलीवरी का था। फिर वो तुरंत अपनी बाइक में फूड ऑर्डर देने के लिए चले जाती है। इसके बाद वहाँ से रेस्टोरेंट से खाना पैक करती है और अपने बैग में डालती है और फिर उस खाने को वो बाहर तक पहुँचाती है। इसके बाद उसे जूडो डिपार्टमेंट से जिन चुल का फ़ोन आता है। वो मायूम को रात को एक इवेंट में जाने का मौका देता है। फिर इसके बाद मायूम उस इवेंट में जाती है जहाँ बहुत से वेबटून शामिल थे। वो आर्टिस्ट वहाँ आने वाले थे रात के इवेंट के लिए। मायूम जब अंदर जाती है तब उसे वहाँ बहुत से वेबटून दिखाई देते हैं जिनको देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी फेवरेट कैरेक्टर का स्टैचू देखती है और वो उसकी अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचने लगती है। फिर वो एक आदमी से अपनी फ़ोटो उस स्टैचू के साथ खींचने के लिए कहती है और वो आदमी उसकी फ़ोटो खींच लेता है। तभी वहाँ पर मौजूद आदमी जिसने मायूम को बुलाया था वो मायूम को देख लेता है। इसके बाद वो मायूम को वहाँ की ड्रेस पहनने को देता है और वो मायूम से कहता है तुम वापस ट्रेनिंग सेंटर कब आ रही हो। मायूम कहती है मैं सोचूंगी इसके बारे में। इसके बाद मायूम ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और वो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही थी और वो इस इवेंट में बहुत से आर्टिस्ट को देखती है जो वहाँ आए हुए थे। मायूम को उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद स्टेज पर एक आदमी आता है जिसका नाम जंगमन होता है और वो स्टेज पर विनर लिस्ट में से बेस्ट विनर आर्टिस्ट का नाम घोषित करता है और उसका नाम था बाई क्योजिन। फिर वो आदमी स्टेज पर आता है अपनी ट्रॉफ़ी लेने के लिए और जंगमन बाई क्योजिन को उनकी ट्रॉफ़ी देता है और कुछ देर बाद बाई क्योजिन वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद स्टेज पर कुछ लड़कियों का डांस होता है और वहाँ मौजूद एक आर्टिस्ट जिसका नाम नांगंग होता है वो उन लड़कियों की डांस करते वक्त वीडियो बनाने लगता है अपने मोबाइल फ़ोन से। मायूम उसे देखती है लेकिन वो कुछ नहीं करती। फिर वहाँ मौजूद एक चीफ एडिटर जिसका नाम श्योक जी था वो उसे देख लेता है। फिर वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर खींचने लगता है। तभी वहाँ आकर मायूम श्योक जी को वो करने से रोक देती है। नांगंग कहता है तुम उसे जाने के लिए कहो। मायूम कहती है श्योक जी से आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, आप प्लीज़ बाहर जाएँ। श्योक जी कहता है मैं अजीब नहीं हूँ। फिर मायूम श्योक जी का हाथ मोड़कर उसे खींच कर बाहर ले आती है। उसके बाद श्योक जी मायूम को अपना कार्ड दिखाता है। मायूम को देखकर बहुत हैरान होती है। श्योक जी कहता है मैंने तुमसे कहा था मैं कुछ अजीब नहीं था। फिर मायूम उससे माफ़ी मांगने लगती है। फिर श्योक जी अंदर जाने लगता है और वो नांगंग को फिर से खींच कर बाहर लाता है। फिर मायूम नांगंग से उसका ऑटोग्राफ मांगती है। नांगंग ये सुनकर बहुत खुश होता है। मायूम कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं लंबे वक्त से आपके एपिसोड देख रही हूँ। और वो अपने फ़ोन के बैक कवर पर साइन करने के लिए कहती है। फिर नांगंग मायूम के फ़ोन के बैक कवर पर साइन कर देता है। मायूम बहुत खुश होती है। फिर नांगंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पार्टी में एक लड़का आता है अपना फ़ोन लेकर जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और एक आर्टिस्ट के साथ बदतमीजी करने लगता है। फिर मायूम वहाँ आती है और उसे दूर धकेलती है। फिर वो लड़का मायूम की वीडियो बनाने लगता है। मायूम उसे उसका फ़ोन देने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं देता। फिर मायूम उसको उल्टा पलट कर ज़मीन पर गिरा देती है। फिर श्योक जी उस लड़के के हाथ से वो स्टैंड छीन लेता है और वो लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देता है। फिर श्योक जी उस आर्टिस्ट के पास जाता है जिसका नाम पौमे था और वो उससे माफ़ी मांगता है। पौमे श्योक जी से कहती है कि तुम उस लड़की को बताओ कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने मेरी मदद की। फिर श्योक जी मायूम के पास जाता है और वो मायूम को थैंक यू कहता है और कहता है पौमे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती है क्योंकि तुमने उसकी मदद की। मायूम कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपना काम कर रही थी। श्योक जी कहता है तुमने कहा था ना तुम्हें वेबटून पसंद है, मैं तुम्हें पौमे की साइन की हुई कॉपी भेज सकता हूँ। मायूम कहती है सचमुच? वो कहता है बिल्कुल। इसके बाद वो मायूम को अपना कार्ड देता है और कॉन्टैक्ट करने के लिए कहता है। फिर रात को मायूम अपनी साइकिल से घर की तरफ जाने लगती है और वो बहुत खुश थी। वहीं घर पर मायूम के डैड मायूम का मैच देख रहे होते हैं जो कि 2021 की वीडियो थी नेशनल टीम सिलेक्शन टूर्नामेंट की, जब मायूम एक लड़की के साथ कुश्ती कर रही होती है। वहीं बाहर मायूम असिस्टेंट एडिटर श्योक जी का कार्ड निकालती है और उस कार्ड के पीछे देखती है कि नियॉन कंपनी में नई भर्ती निकली है। फिर मायूम
अंदर जाकर अपने लैपटॉप में न्यून कंपनी की वेबसाइट में फॉर्म फिलअप करती है उस जॉब के लिए। फिर अगले दिन मॉर्निंग में मायूम जब जॉगिंग कर रही होती है तब उसे अपना पुराना पल याद आता है जब उसने कुश्ती करते वक्त एक लड़की को घायल कर दिया था। मायूम को बहुत दुख होता है, शायद इसलिए मायूम दोबारा कुश्ती में नहीं जाना चाहती थी। फिर दिन में मायूम जब डिलीवरी का काम कर रही होती है तब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो न्यून कंपनी की तरफ से था। उस मैसेज में लिखा होता है आपने प्री स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया है। मायूम ये देखकर बहुत खुश होती है। मायूम को 20 मिनट में न्यून कंपनी में पहुंचना था। इस बार मायूम घर जाकर तैयार हो जाती है और वो कंपनी में जाकर अपना पहला टेस्ट देती है और वहाँ वो पहले तो अपने बारे में बताती है कि वो क्या कर सकती है। फिर वो वहाँ सबके सामने पुशअप लगाने लगती है जिसको देखकर वहाँ मौजूद जज बहुत हैरान होते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर मायूम का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है और घर जाकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश होते हैं। वहीं अगले दिन हमें दिखता है कि एक आदमी जिसका नाम जॉनी नोंगर था और वो इंटरव्यू देने के लिए जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मायूम भी अपना दूसरा इंटरव्यू देने के लिए चले आती है न्यून कंपनी में। वहीं उस कंपनी में जगमन और शोक जी वो मायूम को लिफ्ट में देख लेते हैं। जगमन शोक जी से सर्च लगाने लगता है कि मायूम ने जूडो किया है और वो चैम्पियन है। फिर वो ये साबित करने के लिए वो मायूम के पीछे आता है और उसका बैग पकड़ता है। तभी मायूम जगमन को वहाँ पटक देती है सबके सामने। वहाँ मौजूद स्टाफ ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और जगमन को बहुत दर्द होने लगता है। फिर शोक जी आकर जगमन को उठाता है और मायूम शेखजू को देखकर बहुत हैरान होती है। मायूम उन दोनों से माफ़ी मांगने लगती है। जगमन मायूम से पूछता है तुम कब से जूडो कर रही हो। वो कहती है मैंने 15 साल तक जूडो किया है। फिर जगमन वहाँ से चलाता है। शोक जी मायूम से पूछता है क्या तुम यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हो। वो कहती है हाँ। फिर इंटरव्यू में मायूम से गुआनांग नाम का सवाल जवाब किया जाता है लेकिन मायूम उनका जवाब नहीं दे पाती और वो इंटरव्यू से बाहर हो जाती है। फिर घर जाकर मायूम बहुत उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि शोक जी और जगमन दोनों रात को एक रेस्टोरेंट में होते हैं। जगमन मायूम को लेना चाहता था अपनी टीम में और वो बताता है मैंने मायूम को बहुत अच्छे नंबर दिए थे। इसके बाद हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है कि जंग योंग जो कि नियोन कंपनी में काम करता था वो एक आदमी से मिलता है क्योंकि वो अपनी ब्रांच बदलना चाहता था और वो सर्विस प्लानिंग टीम में शामिल होना चाहता था। लेकिन उसके साथ का दोस्त उसे बताता है कि सर्विस प्लानिंग टीम में सभी आउटकास्ट हैं और ये सुनकर जंग योंग हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि नियोन कंपनी की बैठक में वहाँ की डायरेक्टर चल रही परफॉर्मेंस को देखती है एक ग्राफ के ज़रिए जिसमें जगमन चोल की परफॉर्मेंस बिल्कुल लो थी। फिर वहाँ की डायरेक्टर जगमन चोल से कहती है आपको कुछ भी मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताएं मैं वो पूरी करूँगी। जगमन शुक्रिया कहता है। फिर बाहर जाकर जगमन वो गुआंग गैंग को ये बात बताता है कि उसे और आदमी की ज़रूरत है अपनी टीम के लिए। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मायूम के डैड मायूम को अगले महीने ट्रेनिंग पर आने के लिए कहते हैं लेकिन मायूम कहती है कि वो इसके बारे में सोचेगी क्योंकि मायूम फिर से ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद मायूम बहुत उदास होती है क्योंकि वो न्यून कंपनी में काम करना चाहती थी। तभी मायूम को किसी का कॉल आता है और मायूम फ़ोन पर बात करती है। फ़ोन काटने के बाद मायूम बहुत खुश होती है और अपनी माँ को बताती है मुझे नौकरी मिल गई। इसके बाद वो तीनों खूब चिल्लाने लगते हैं खुशी के मारे। फिर अगले दिन मायूम न्यून कंपनी में जाती है और वहाँ उसे जॉनी योंग दिखाई देता है। वो भी वेब सर्विस टीम के ऑफिस में जा रहा होता है। फिर मायूम उसके साथ वेब सर्विस टीम के ऑफिस में चले आती है और वहाँ वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद मायूम भी वहाँ अपना इंट्रोडक्शन देती है और यहाँ पर पता चलता है कि उस दिन जब जगमन गुआंग यांग से जब बात कर रहा होता है तब गुआंग यांग ने जगमन को एक सलाह दी थी कि वो किसी को हायर कर ले 1 साल के लिए। इसीलिए जगमन ने 1 साल के लिए अपनी टीम में मायूम को शामिल किया लेकिन मायूम इस चीज़ से बहुत खुश थी। इसके बाद दिखता है कि जॉनी योंग बहुत उदास होता है और उसे याद आता है कि उस दिन उसके साथ के दोस्त ने कहा था वेब सर्विस टीम के बारे में कि वहाँ कोई ऑफिशियल रिक्रूटमेंट प्रोसेस से नहीं गुजरा है और उनकी टीम पिछले 3 साल से अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। तो जॉनी योंग अपने साथ के स्टाफ से पूछता है मुझे क्या करना चाहिए। वो आदमी कहता है क्या तुमने हमारे वेबकॉम देखे। जॉनी योंग कहता है नहीं। वो आदमी कहता है तो पहले उन्हें देखो। फिर जॉनी योंग
उन वेबटून को पढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मायंग वो शिव जी के साथ आर्टिस्ट से मिलने के लिए जाती है, जिनका नाम बैकोजिन था, जो कि कैरेक्टर को बनाने का काम करते थे एक पेंसिल के जरिए। वहाँ मायंग उनकी तारीफ करती है, बैकोजिन को उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। वहीं अंदर दिखता है कि जो दो आदमी बैकोजिन के लिए काम करते थे उनमें से एक आदमी बैकोजिन का काम आधा ही छोड़ने वाला था, क्योंकि किसी और कंपनी में उसे जॉब ऑफर हुई थी। वहीं जाते वक्त मायूम वो बैकोजिन से कहती है कि मैं आपके वेबटून पर कमेंट करूँगी, लेकिन बाहर जाकर शोक जी वो मायूम को बताता है कि तुम इस तरह से कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि तुम नियोंग कंपनी की स्टाफ बन चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ जनयोंग वो वेबटून देखकर बहुत बोर हो चुका था। वहीं रात को मायूम वो बैकोजिन के वेबटून के कमेंट पढ़ रही होती है, जो कमेंट्स बहुत ही बुरे थे, और मायूम कमेंट करना चाह रही थी लेकिन शोक जी ने उसे मना किया था कमेंट करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ बैकोजिन कभी कमेंट नहीं खोलता था, वो मायूम के लिए उस कमेंट सेक्शन को खोलता है, लेकिन उसे बहुत से बुरे कमेंट्स दिखाई देते हैं और बैकोजिन बहुत निराश होता है। वहीं दूसरी तरफ जंगमन चल जब एक रेस्टोरेंट में होता है तब उसे बैकोजिन का फ़ोन आता है, और जंगमन चल सभी स्टाफ को ऑफिस आने के लिए कहता है तुरंत। वे सभी स्टाफ तुरंत ऑफिस आते हैं। वहाँ आकर जंगमन शोक जी से कहता है कि बैकोजिन उन सभी कॉपीज़ को वापस लेना चाहते हैं जो उन्होंने हमें भेजी थी, और ये सुनकर शोक जी हैरान होता है और बाकी सभी भी। जंगमन कहता है वो उन सभी एपिसोड को हटाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने पेमेंट किया था, तुमने उनके घर पर उन्हें क्या बताया था? और मायूम शोक जी को देखने लगती है, और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसी वीडियोज़ देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।